नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर जिनकी ज़रूरत हर तरह की फसल को, हर तरह के पौधे को, हर स्टेज में जो है भारी मात्रा में जिसकी ज़रूरत रहती है। वैसे तो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी डिफरेंस रहता है, जिसमें कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके आते हैं दोस्तों NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और तीसरा आ जाता है हमारे पास पोटास, जिनकी ज़रूरत पौधे को सबसे ज़्यादा रहती है। पर उसके अलावा भी जो रहता है हमारे पास कैल्शियम और बोरोन, उनकी ज़रूरत जो है पौधों को हर स्टेज में रहती है और हर अवस्था में रहती है, जिसके हमारे पास प्रोडक्ट है दोस्तों यारा कंपनी का यारा लीवा नाइट्रोबोर, जिसमें कि आपका जो रहता है 14% जो आपका रहता है अमोरिकल नाइट्रेट, और दूसरा 13.5% जो रहता है वो नाइट्रोजन रहता है दोस्तों, और वाटर सॉल्युबल कैल्शियम जो रहता है वो 17% रहता है, और 0.2 से 0.3 के आसपास जो रहता है वो बोरोन रहता है। यानी कि एक अच्छे कॉम्बिनेशन में जो रहता है वो कैल्शियम और बोरोन इसमें मिक्स किया गया है, जिससे कि पौधे को भरपूर तरीके से जो है कैल्शियम, नाइट्रोजन और बोरोन की जो डेफिशिएंसी रहती है उसको भरपूर तरीके से पूरा किया जा सके। तो प्राइस की बात कर लेते हैं इसकी, तो प्राइस आप देख पा रहे हो जैसे कि इसमें 2300 रुपये के आसपास जो है प्राइस दिया गया है, पर मार्केट में आपको जो है पहले जो लॉकडाउन नहीं लगा था, कोरोना काल नहीं आया था, उससे पहले जो है 1100-1200 रुपये में जो है 25 किलो का कट्टा जो था वो इजीली मार्केट में मिल जाता था किसी भी कंपनी का। पर कोरोना के बाद जो है वो 1600 से 1800 तक जो है एक 25 किलो का कट्टा जो है मार्केट में बिक रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। तो मुझे भी ये कट्टा लगभग जो है वो 1800 रुपये के आसपास पड़ा है, वहीं लास्ट ईयर जब हमने लिया था तो 1200-1250 रुपये के आसपास मिल गया था। तो बोरी में कुछ इस तरीके से आपका रहता है दोस्तों, थोड़ा सा पीला कलर इसका रहता है बोरोनेटेड होने के कारण, थोड़ा सा परत रहती है बोरोन की, और कैल्शियम आपको पता है कि पौधे में हर स्टेज में ज़रूरी रहता है, एक तरह का वाटर सॉल्युबल है, आप इसको छिड़काव के ज़रिए भी पौधे में दे सकते हैं। छिड़काव से ये रहता है कि एकदम से, वाटर सॉल्युबल का मतलब ये रहता है कि एकदम से जो है पौधा इसको इनटेक कर लेता है और बहुत ही जल्दी जो है जो रिज़ल्ट आगे को दिखाना शुरू करता है। जैसे कि आपको पता है कि आपके पौधे में जो है क्लोरोफिल जो है आपका रहता है, जिससे कि अमीनो एसिड्स बनते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो है, जब धूप लगती है तो पत्तियों में जो है क्लोरोफिल होने के कारण जो है आगे को उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जिससे कि अमीनो एसिड्स बनते हैं, जिससे कि पौधे को जो है खाना पीना उसका मिलता है, उसी से वो आगे को बढ़वार करता है, ग्रोथ करता है, आगे को जब फल लगते हैं, फूल लगते हैं, फूल से फल में तब्दील होते हैं, तो उन सभी क्रियाओं में जो है कैल्शियम का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जैसे मैग्नीशियम आ जाता है आपका, सल्फर आ जाता है, और भी बहुत सारे रहते हैं, तो उनके जो क्रियाएं रहती है उनको अपना कार्य करने के, सरल करने के, उनकी सप्लाई में भी जो है वो कैल्शियम एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसी के साथ साथ जो कैल्शियम आपका रहता है वो पत्तियों में जो है हरापन बढ़ाता है। बहुत सारे दोस्तों की ये भी समस्या रहती है कि जैसे छोटे पौधे आपके रहते हैं तो उसमें जो है पीलापन पत्तियों में देखना शुरू होता है, जैसे आप उसमें कैल्शियम डालते हो तो उससे थोड़ा सा कैल्शियम मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, जिससे कि पत्तियाँ आपकी हरी हो जाती हैं एकदम से, उनके जो खाना बनाने की प्रक्रिया रहती है वो फास्ट हो जाती है, जिससे कि पौधे में ग्रोथ होती है। जैसे कि आप पीछे वीडियो फोटेज में भी देख पा रहे हो कि मैं जो हूँ टमाटर की भी निंदाई और पुरताई में भी, उसके बाद जो है हम इसमें जो है ज़मीन में भी जो है कैल्शियम डाल देते हैं डायरेक्ट, पौधों में जो है 5-6 जो दाने रहते हैं वो हम पौधों के 2-4 इंच दूर रखते हैं, अगर बिल्कुल पौधे के तने के साथ, जड़ों के साथ इसको मिला दिया जाए तो एकदम से पौधा भी आपका सूख जाता है, और ज़्यादा मात्रा भी आपने नहीं देनी है, जितनी रिकमेंड की जाती है उतनी आपने देनी है, भले आप कम मात्रा दीजिए, बार बार दीजिए, पौधे की ये स्टेज रहती है। आप बागवानी क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सेब, अनार, पलम, आप नींबू में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गलगल, संतरा, बहुत सारे जो भी बागवानी रहते हैं, आपका बेस्ट जो रहता है आपका पौधा जब आपका जो है फ्रूट देना शुरू कर देता है तो उस स्टेज में बेस्ट रहता है दोस्तों, जिसमें कि अब जब आपकी फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है, प्रियोनिंग आपकी, जब आपकी प्रियोनिंग के बाद जब आपकी जो है फ्लावरिंग स्टेज आती है उस दौरान आप इसको पौधे की जड़ों में डाल सकते हो, या आप इसको ड्रिंचिंग के माध्यम में भी दे सकते हो, छोटी फसलों में, सब्जी वर्गीय फसलों में आप इसको जो है ड्रिप में भी चला सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों बात करता हूँ इसको मिक्स आपने जो है सल्फ़र, जिसमें सल्फ़र होता है उन चीज़ों में आपको इसको मिक्स नहीं करना रहता है, जैसे कि आप 0050 में इसका मिक्सर नहीं कर सकते, एंटीबायोटिक में आप इसका मिक्सर नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसमें सल्फ़र रहता है, कुछ एक फंगीसाइड्स वैसे रहते हैं जिसमें कि आपका सल्फ़र रहता है, उसका मिक्सर आपने नहीं करना है, 19-19-19 के साथ आप इसको मिक्स नहीं कर सकते। जैसे ही आपके आते हैं दोस्तों जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उनके साथ आप इसका कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते,
तो इस चीज़ को अवॉइड करना है, उससे आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाता है कभी कभार, अगर डोज आपका ज़्यादा हो जाता है और उसका फ़ायदा भी आपको नहीं रहता है। तो आपने इसको सिंगल यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है। आप इसकी ड्रिंचिंग कर सकते हो, स्प्रे के माध्यम से ले सकते हो, पर ज़्यादा जो बेनिफिशियल रहता है वो पौधे की जड़ों में दे के रहता है। आप इसको पौधे की जड़ों में ड्रिंचिंग में भी ले सकते हो, ड्रिप में भी ले सकते हो, या डायरेक्ट उसको जड़ों में डाल सकते हो। पर जड़ों में डायरेक्ट डालने से पहले आपकी ज़मीन में जो है वो नमी होनी ज़रूरी रहती है, अदरवाइज़ ये जो है आपका एकदम से हवा में उड़ के जो है आपको पूरी तरह से रिजल्ट नहीं देगा। आपकी ज़मीन में नमी होगी हल्की फुल्की तो एकदम से ज़मीन के अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा और काफ़ी लंबे समय तक जो है आपको इसके असर देखने को मिलते रहते हैं। फर्दर इसको आप एक फसल में जो है 2 से 3 बार डाल सकते हैं। जैसे बागवानी क्षेत्र में आप इसको जो है एक बार आप इसको फ्लावरिंग स्टेज में डाल सकते हो, दूसरा जब आपकी छोटी छोटी सी बडिंग हो जाती है यानी कि छोटे छोटे से फ्रूट बन जाते हैं तो उस स्टेज में इसको हल्की मात्रा में डाल सकते हो। एक आपका जो एवरेज रहता है, अगर बात करूँ आम के पेड़ की या सेब के पेड़ की या नींबू के पेड़ की, जिसकी फ्रूटिंग जो बात करता हूँ अगर उसकी एज 8 से लेकर 12 साल के बीच में है, तो उसमें आप जो है लगभग जो है पर पेड़ में 100 से 200 ग्राम के आसपास जो है, या 100 ग्राम जो है आप उसकी नीचे जड़ों के पास तौलिए में इसको मिला सकते हो। पर शर्त ये है कि उसमें नमी होनी ज़रूरी है। अगर छोटे पौधे में आप डाल देते हो, आपका पौधा अगर 1 साल का है 2 साल का है 3 साल का है, तो उस दौरान आप अगर उसमें मिला देते हो तो पौधे के सूखने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं अगर आपकी मिट्टी में नमी नहीं है तो। और इसके साथ साथ दोस्तों आप इसको मोटे अनाज में भी ले सकते हो, तिलहन दलहन जो आपके रहते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल आप शुरुआती छोटी अवस्था में भी कर सकते हो। अगर आपके जो आपको लगता है कि आपकी जैसे टमाटर में मुझे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं, शिमला मिर्च में पूछते हैं या बैंगन में पूछते हैं कि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, अगर आपका पौधा छोटा है 10 दिन के आसपास का पौधा है तो उसमें अगर पत्तियों में पीलापन वो नॉर्मल बात रहती है दोस्तों, उसमें थोड़ा सा जो है 2-4 दाने आप प्रत्येक पौधे के 2-4 इंच दूर रखते हो तो उससे जो है एकदम फैलावट आती है, पत्तियों में हरापन आता है और उसमें ग्रोथ में बढ़वार मिलती है। अगर आप इसको फ्लावरिंग स्टेज में देते हो तो उससे जो है फूलों में जो है वृद्धि होती है, साथ ही साथ आपकी पत्तियाँ अच्छी चलती हैं, पौधे में जो है अच्छा विकास होता है, उसकी ग्रोथ काफ़ी तेज होती है। और साथ ही साथ जब आप इसको फ्रूटिंग स्टेज में डालते हो तो उसमें आपके फूल जो फूल फल रहता है उसमें चमक आती है, फल में साइज़ में वृद्धि होती है, उसके साथ साथ जो है आपकी फल जो लगते हैं, साथ ही फलों के साथ साथ आपके पीछे जो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं फूल भी जिसमें बनते रहते हैं पौधे में, तो उनमें भी वृद्धि होती है उसके साथ साथ, और साथ ही साथ जो है फल का साइज़ उसका वज़न उसकी चमक बढ़ती है जिसका कि बाज़ार में अच्छा भाव आपको मिल जाता है। साथ साथ आप इसको गेहूँ में भी डाल सकते हो। गेहूँ में आपका जो डालने का समय रहता है जब आपके जो है सिला यानी निसन जैसी लगती है, जब फूल पड़ना शुरू होता है तो उस दौरान आप इसको जो है अपने खेत में डाल सकते हो, पूरे के पूरे खेत में बिखेर सकते हो, जैसे आप यूरिया बिखेरते हो उस तरीके से, या फिर आप छिड़काव भी कर सकते हो डायरेक्टली इसका, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसे आपका जो दाना रहता है वो थोड़ा बड़ा होता है और आपका जो फूल रहता है उसमें जब दूध भरता है उसके बाद, तो उसमें जो है अच्छे साइज़ में वृद्धि आती है और चमक आती है। आप इसको सिमिलर तरीके से जो है धान की फसल में भी इस्तेमाल कर सकते हो, दालों में भी आप जब फ्लावरिंग स्टेज आपकी आती है उस समय इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होता है। आप हर तरह की फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पर एक लिमिटेड डोज तक आपने इसको डालना है दोस्तों। अत्यधिक इस्तेमाल से आपको ही ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि कैल्शियम दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी मिलता है मार्केट में, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें बोरोन भी मिलता है थोड़ा सा, हालांकि ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलता। आप एक्सटर्नल तौर पे बोरोन डालें, आप इसी पे डिपेंड ना रहें कि इसमें बोरोन है। बोरोन बहुत ही कम मात्रा में रहता है पर इतना रहता है कि पौधे की थोड़ी बहुत ज़रूरत को पूरा कर लेता है। आप इसमें कॉम्बिनेशन में बोरोन ले सकते हो। मैंने सल्फर के लिए आपको मना किया, 0050 के लिए मना किया, कुछ एक फंगीसाइड्स के लिए मना किया, इंसेक्टीसाइड्स के साथ आप इसको डाल सकते हो थोड़ा बहुत, पर बोरोन के साथ इसका कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त बैठता है। बोरोन भी बहुत ही ज़रूरी तत्व रहता है, कैल्शियम के बाद अगला जो आता है आपका बोरोन ही तत्व आता है जिसकी पौधे को ज़रूरत ज़्यादा रहती है। बोरोन आपका ऐसा तत्व रहता है जिसमें कि पौधे का जो फ्रूट में जो छिलका रहता है उसकी चमक बढ़ाता है, साथ ही साथ उसको जो आपने देखा होगा कुछ आपके फल फट जाते हैं बीच में से तो उस चीज़ को भी वो दूर करता है। और ये दोनों कैल्शियम और बोरोन का ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है जो कि पौधे की रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि अगर इस पे जो है कुछ कीट अटैक भी करते हैं या फंगस भी लग जाता है तो उसमें पौधे में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं बनता क्योंकि ये अमीनो एसिड्स बनने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं जिससे कि पौधा काफ़ी जल्दी रिकवर हो जाता है, जिससे कि फ्लावरिंग ड्रॉप जैसी समस्याओं से भी निजात मिलती है और आपको अच्छी प्रोडक्शन देखने को मिलती है। तो इसी के साथ दोस्तों मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कैल्शियम का, काफ़ी अच्छी ग्रो करती है एकदम से। अगर छोटी स्टेज में पौधे को डालते हो आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, पीलापन आपको नज़र आता है,
या कुछ भी आपको लगता है कि आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो वहाँ पे काफ़ी इजीली ये जो पौधे को प्रोवाइड करवाता है उन चीज़ों को, उनकी जो जाइलम फ्लोएम में जो ऊपर से नीचे ट्रैवल करने की जो स्पीड होती है उसको स्पीड अप करता है बहुत ही तेज़ी से। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल या सुझाव रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।